वेलकम बैक माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जो एक्सीडेंट हुआ है, मतलब जो भी हुआ है, ठीक है ना, आप लोग गलत गलत थंबनेल मत बनाइए, क्योंकि आप लोग गलत थंबनेल बना रहे हैं, उसमें उन लोग का परिवार में डिस्टर्ब हो रहा है, उन लोग का घर में, मतलब आप लोग का थंबनेल देख के ना आदमी लोग इतना, मतलब आप लोग ऐसा सोच कैसे रख सकते हैं इतना एक आदमी के बारे में। आप लोगों को पता भी है वो यूट्यूबर है, इतना बड़ा यूट्यूबर है, वो नेपाल भी इससे पहले जा चुके हैं। तो हो सकता है, होता है एक्सीडेंट लाइफ में, कितना कितना एक्सीडेंट होता है गाइस। तो एक एक्सीडेंट की वजह से आप लोग इतना गंदा गंदा थंबनेल बना के देंगे, तो आप लोग ये कम से कम सोच लीजिए कि उसके परिवार के ऊपर क्या जाएगा, क्या बीतेगा। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं बोला था गाइस, मैं ऐसे वीडियो देख रहा हूँ कि जटपा जी ऐसे हैं, ऐसा तबीयत उसका, ऐसा कंडीशन, ऐसा है, ओटी में है, तो हम सिर्फ देख रहे हैं, बस आईसीयू में है, कोई बात नहीं, सिर्फ देखते जा रहे हैं। लेकिन मैं कल भी एक वीडियो देखा था, वो बंदा का नाम नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नाम नहीं बोलना चाहिए, मैं नाम नहीं बोलना चाहता क्योंकि जो मतलब ऐसा सोच रखता है उसका नाम ही मैं अपना मुंह में नहीं लेना चाहता गाइस। तो मैं इतना मानता हूँ आप लोग से, मैं इतना बोलता हूँ, पहले आप लोग अच्छे से जांच लीजिए कि क्या हुआ था, क्या हुआ है, कैसे कुछ घटा, उसके बाद आप लोग बोलिएगा गाइस। और हम प्रे करते हैं कि जटपा जी जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी उसका ब्लॉक आए, और हम तो उसका फैन है ही। तो आप लोग से भी बोल रहे हैं कि कम से कम अफवाह मत फैलाइए गाइस, अफवाह बहुत गलत चीज़ है। जब पाजी उठ के जब सुस्त हो जाएंगे, जब ठीक हो जाएंगे, पाजी जब ठीक हो जाएंगे, उसके बाद जो वो देखेंगे ना कि मेरे मेरे एक्सीडेंट के बाद ऐसा 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 हुआ था, कुछ थंबनेल ऐसा भी आएगा, तो उनको भी कितना खराब लगेगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे बारे में आदमी ऐसा थंबनेल बना के दे रहा है। तो आप लोग पे करिए कि जल्दी ठीक हो जाइए, जल्दी ठीक हो जाएगा तो जल्दी फिर रिकवर होने से सब पता चल जाएगा इस। और जो यूट्यूबर उनके बारे में ऐसा बोले हैं, हम चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, लेकिन हम देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो मतलब कीचड़ से है तो कीचड़ में रहना देना है, कीचड़ में हाथ नहीं देना चाहिए, बस हमको ये मालूम है। तो मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो हम इतना पता है हमको कि हमको सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए इस वीडियो से, आप कोई सब्सक्राइब भी नहीं चाहिए, कोई व्यू भी नहीं चाहिए, बट जो जो देखेंगे बस उसका जो मतलब जटपा जी वाला एक्सीडेंट है उसका, जो बंदा ऐसे लिखा है कि जटपा जी डेथ हो गए हैं, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमको इतना पता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं बहुत गुस्सा हूँ उस आदमी के बारे में, लेकिन मैं उस यूट्यूबर के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि कीचड़ में हाथ नहीं देना चाहिए बस। तो आप लोग सबको पे कीजिए कि जटपा जी जल्दी ठीक हो जाइए जल्दी, अभी 72 आवर्स बोले हैं, तो ठीक होने के बाद ओरिजिनल फुटेज में पता चलेगा कि क्या हुआ था। तो आप लोग सब कोई, हम बोल रहे हैं सब कोई, जितना आप लोग जटपा जी का फैन है, ठीक है ना, सब कोई वो वाला वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कैसे एक्सीडेंट होता है। या गाइस मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, ये जो फेस है ये फेस हम कभी नहीं दिखाते क्योंकि मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था ना। मैं चाहूँ तो फेस रिवील कर सकता हूँ गाइस, मैं चाहूँ तो फेस रिवील कर सकता हूँ, अभी चाहूँ तो अभी कर सकता हूँ, लेकिन मैं फेस रिवील नहीं करता है क्योंकि मेरा भी एक कुछ प्रॉब्लम है। तो फेस रिवील हम भी करेंगे एक दिन, जिस दिन हम फेस रिवील करेंगे उस दिन तो देखा जाएगा, तो उसका कोई बात नहीं। आप लोग सोचेंगे हेलमेट पहन के कर रहा है ब्लॉग या कुछ बोल रहा है, तो हेलमेट पहने कुछ मतलब माफ़ी चाहते हैं हेलमेट के लिए, क्योंकि मेरा कुछ दिक्कत है इसलिए हम हेलमेट पहन के किए हैं, और अभी चाहते तो फेस रिवील कर सकते, फेस रिवील हम नहीं किए अभी तक यूट्यूब में गाइज। तो आप लोग सबको बोल रहे हैं पे कीजिए जल्दी कि जटपा जी ठीक हो जाए, बस यही मांगते हैं, और अफवाह मत फैलाइए, रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, जितना यूट्यूबर है, जितना कंटेंट बनाते हैं, जो भी है, अफवाह मत फैलाइए, पे कीजिए जल्दी ठीक हो जाइए, बस हम लोग यही मांगते हैं, कोई अफवाह मत फैलाइए। बहुत कुछ देखें, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन हम कल से देख रहे हैं एक यूट्यूबर है ये बोल रहे हैं कि ये डेथ हो गया, आज भी बोल रहा है डेथ हो गया, ये बहुत गलत बात है यार, जो अभी जिंदा है उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये भी हो सकता है ना, आप बोल रहे हैं कि वो डेथ हो गया, आप भी आप अचानक आप डेथ हो जाए तो क्या होगा गाइस। तो
तो जो भी यूट्यूबर है छोटा बड़ा, हम किसी को नहीं बोले हैं ये बात, हम सिर्फ वही एक यूट्यूबर को बोले हैं, शायद उसको भी पता चल जाएगा किसको बोल रहे हैं। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना मालूम है कि अफवाह मत फैलाइए, बस हाथ जोड़ के बोल रहे हैं आप लोग से जो कर रहे हैं। नहीं तो आइए वेस्ट बंगाल, मिलते हैं आपसे, ठीक है? तो चलिए गाइस, यही बोलना था, और मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सॉरी गाइस, माफ़ कर दीजिएगा। और जटपा जी आप जल्दी ठीक हो जाइए, जल्दी रिकवर होइए, क्योंकि हमको भी वो फुटेज देखना है। आप पूरा यूट्यूब सर्च मारे हैं वो सिर्फ फुटेज के लिए, तो वो फुटेज सिर्फ आपका गोपड़ों में है, हमको ये मालूम है गाइस। तो आइंदा से कोई भी यूट्यूबर थंबनेल मत ऐसा बनाना जिसमें कोई मतलब ठीक भी हो जाए ना, जब अपना रिकवर हो जाए, जब अपना एक्सीडेंट वाला जो मतलब थंबनेल वाला जो देखेगा ना, तो उसको भी बहुत ख़राब लगेगा, वो भी एक यूट्यूबर है गाइस, हम भी एक यूट्यूबर हैं, हम भी एक राइडर हैं गाइस, छोटा हो सकते हैं लेकिन हैं। तो हाथ जोड़ के आप लोग से सबसे विनती करते हैं, तो ऐसा अफवाह मत फैलाइए, जो जिंदा है उसको जिंदा रखने दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं गाइस। तो चलिए गाइस, और नया अपडेट मिल गया आप लोगों को, बीरबा जी बहुत अच्छे हैं अभी अभी, उसका मतलब 72 आवर्स टाइम दिया है गाइस, तो पे करते हैं भगवान उसको, जल्दी ठीक करते हैं गाइस। तो आप लोग पे करते जाइए हर कोई। तो चलिए गाइस, यही बोलने के लिए आए थे, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को हम गलत नहीं बोल रहे हैं, बस थोड़ा गुस्सा आया था इसलिए आए, नहीं तो हम कल से भी बोलना चाहते थे, बोल पाते लेकिन नहीं बोले, आज हम देखें इसलिए बोले गाइस। आप लोग अगर बोलेंगे किसका मतलब नाम लेने के लिए, नाम ले लेंगे, बस आपको यही बोल दिए। हम चाहिए तो अभी उसका वीडियो भी फुटेज भी हम इसमें डाल सकते हैं, नहीं डालें क्योंकि नहीं चाहिए, हम किसी के बारे में किसी खराब या भाल अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन हम इतना बोल दिए, मत बोलिए यार गाइस, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो कि आप वो सुस्त अच्छा हो के देखेंगे ना, जब अपने यूट्यूब में यार मेरा एक्सीडेंट में ऐसा ऐसा हुआ था गाइस, तो उनको भी बहुत बुरा लगेगा गाइस, कि मेरा फैन लोग, मेरा यूट्यूब में जितना फैमिली है वो सब ऐसा बोल रहे हैं, कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ सब्सक्राइब के लिए गाइस। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गाइस, ऐसा मत बोलिए। चलिए गाइस, टाटा, गुड नाइट, सी यू, और बहुत रात हो गया, मैं रात में टाइम मिला इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं काम में था गाइस, मैं सिर्फ काम में सिर्फ देख रहा था बस। तो रिक्वेस्ट करते हैं, और ये फेस रिवील एक दिन हम करेंगे, जिस दिन करेंगे सब देखेंगे, अभी तक मेरा वीडियो जितना आया है ऐसे आया है, तो अभी तक ऐसे आएगा गाइस, अभी बहुत देर अभी ऐसे आएगा गाइस, तो कितना दिन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट ऐसे आएगा।